जय जय श्री राम। राहगीरी आनंद उत्सव में थिरकते नजर आए सीएम मोहन यादव, उज्जैन में राहगीरों को बांटे तिल के लड्डू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुशवाहा। एमपी के उज्जैन में राहगीरी आनंद उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने मौज मस्ती में डूबे लोगों को तिल के लड्डू बांटे, सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन गाया, सबसे आगे हिंदुस्तानी सॉन्ग पर थिरके तो डमरू भी बजाया। माननीय अनिल फिरोजिया जी हमारे पीछे, और मैं माइक्रोफोन सौंप रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोले महाकाल महाराज की, अवंतिका नाथ की, नर्मदे छिपरे महारानी की। हमारा अपना पवित्र और पवित्रतम नगर उज्जैन, और उसमें ये हमारे सभी साहित्यकार, वरिष्ठ कवि, अलग अलग सरस्वती के पुत्र, जिनके अपने कारण से हमारे भारत का मान बढ़ता है, मध्य प्रदेश का मान बढ़ता है, जो गौरव होता है। उज्जैन वासियों को मेरी अपनी ओर से मकर संक्रांति के पावन पर्व में आप सबको शुभकामना। पूरा प्रदेश और प्रदेश सरकार मकर संक्रांति उत्सव 5 दिन तक मना रहा है, 15 तारीख तक। आज है, हाँ हाँ, मैं भी चौपाल वाला ही हूँ। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामना बधाई। तिल तिल करके दिन बढ़ रहा है, रात घट रही है, परमात्मा करे ये प्रकाश सबके जीवन में उत्साह, आनंद और वैभव की वर्षा करें। एक बार फिर माननीय रूप पमनानी जी, माननीय अशोक गुहाटी जी, दिनेश दिग्गज जी, सुरेंद्र सर्किट जी, हमारे माहेश्वर श्याम माहेश्वरी जी, तीन चार दिनेश जी है ना, मेरे अपनी ओर से दिनेश शर्मा जी, और पीछे कौन सा है अपने, वो सोनवलकर जी, सारे के सारे साहित्यकारों को बधाई एक बार फिर। सबके प्रति मेरी मंगल कामना, इसलिए कि मंगल पर्व है संक्रांति, तो मेरी अपनी ओर से फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राहगीरी आनंदोत्सव में पारंपरिक खेलों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम भी शामिल हुए। इसमें रस्सी कूद, बोरा दौड़, सितोलिया जैसे खेल शामिल रहे। यही नहीं, इस आनंदोत्सव में फॉरेनर्स भी शामिल हुए, जहां उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कहा कि 22 जनवरी को हम पूरे भारत के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ग्रुप इंदौर से है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि सारा ग्रुप जो है परमानेंट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड रिसर्च इंदौर से, मैं अपने अपने सारे कोर्स कर रहे हैं, सभी योग के विद्यार्थी हैं, और हम इंदौर से आज ही इनको लेकर आए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं राम जी के उत्सव में कर रहे हैं, और मंदिर का जो अनावरण होना है उसके उत्सव में कर रहे हैं, तो ये सभी उसी को सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हैं। कहाँ से हैं? ये अलग अलग देश से हैं, कोई पोलैंड से है, कोई कनाडा से है, कोई हांगकांग से है, कोई जापान से है। आप मानते हैं राम नाम की धुन पूरे विश्व में गूंज चुकी है? पूरे विश्व में। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो छोड़ो, भारतीय तो छोड़ो, विदेशों के रग रग में बसे हैं राम। लोकेश कारपेंटर। राहगीरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ कैंप लगाया गया, नगर निगम ने स्वच्छता अभियान सेल्फी पॉइंट बनाया, झूले मिकी हाउस भी आकर्षण बने रहे, लोगों ने मालवी पकवान, केसरिया दूध, जलेबी, पोहा का लुफ्त उठाया। खबरदार न्यूज के लिए उज्जैन से नीलेश मालवी की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।